हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है इतिहास वर्ग 10 का। पाठ का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। प्रधानाध्यापक परीक्षा का तैयारी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। पहला, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। रॉबर्ट ओबेन को। आगे, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहां हुई थी, ये बताइए। देखते हैं इसका आंसर, लंदन में 1864 में। आगे बढ़ते हैं, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। देखते हैं इसका आंसर, फरवरी की क्रांति। आगे, रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ठीक बताइए, लेनिन ने किया। आगे, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, जी हाँ, जार मीन्स होता है राजा। देखते हैं, निकोलस द्वितीय। आगे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, चलिए इसके बताइए आंसर। चलिए देखते हैं, कार्ल मार्क्स और एंगोलस। चलते आगे, 7वां क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, ये बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर, लेनिन ने तैयार किया था। आगे, वार एंड पीस, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, वार एंड पीस युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर, टॉल्स टॉय। आगे, नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन था, नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन था, ये बताइए, लेलिन। आगे, लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था, ये बताइए। देखते हैं इसका आंसर, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। आगे, चेका क्या था, विशेष पुलिस दस्ता था, चेका एक विशेष पुलिस दस्ता था। आगे, लेनिन ने बेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की, लेनिन ने वेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की, देखते हैं इसका आंसर, जर्मनी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ, या हुई, देखिए, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई, बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ये जितने भी है क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर सब पुस्तक से ही लिए हैं, जो मानक रेखा तय किए गए है प्रधान शिक्षक के लिए वो सब इसमें सम्मिलित है। देखते हैं इसका आंसर, रूस में दास कैपिटल के लेखक कौन था, दास कैपिटल के लेखक कौन था, जी बताइए, कॉल मार्क्स 1867 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय ऐसे मेरा चैनल का नाम पंकज प्रतियोगिता, एक बार सर्च करके जरूर देखिएगा।
रूस में कृषि दास्ता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुआ? रूस में कृषि दास्ता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुआ जी बताइए। ईस्वी में आगे समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? देखते हैं इसका आंसर, आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन बल देता है आर्थिक समानता पर। आगे समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? 1817 ईस्वी में। आगे ऋषि क्रांति के समय वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है ये बताइए। देखते हैं कॉल मार्क्स को चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? ब्रिटेन में। मैं इस तरह का प्रश्न उत्तर इसलिए बनाता हूं कि याद करने में आसानी होगा, चार ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, याद रहे या ना रहे इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ए एक नंबर का है और इस तरह से याद करने में आसान होगा मित्रों, इसलिए मैं इस तरह से बनाता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 ईस्वी में। आगे समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। आगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 1817 से ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, बताइए। अभी बीत चुका है 1 मई को। यहां तक बने लेके बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहां तक बने हैं तो एक तो लाइक बनता है मित्रों, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न पसंद आए तो भी डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।